बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये WTL की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी लाइमलाइट में रहा है जब से इसकी न्यूज़ आई है। और इनफैक्ट OTC में, जिसे हम कहते हैं ओवर द काउंटर या आउट ऑफ द काउंटर कह लें, तो उसमें इसके सिंबल भी है, जो है इसको अलॉट हो गया और OTC में ट्रेडिंग भी हो रही है। OTC में ट्रेडिंग, जहाँ तक मेरी मालूमात, जो मैंने मालूमात हासिल की है, वो मेंबर टू मेंबर सौदे हो रहे होते हैं, बोर्ड पे वो आइटम नहीं आई होती है। अगर आप देखें नैसडेक वगैरह में लगा के, तो बोर्ड पे आइटम नहीं है, लेकिन आप ब्लूमबर्ग में जाएंगे और OTC टाइप करेंगे तो OTC में GLTK का सिंबल नजर आएगा। दूसरी मेरी मालूमात जो मैंने वहां से करवाई है वो ये है कि OTC का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, इनको लिस्टिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, OTC में रखते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें कितनी दिलचस्पी है मेंबर्स की, जो है उनके थ्रू कितने सौदे हो रहे हैं, और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उनकी, वो फॉर्मेलिटीज जो है वो अगर पूरी कर लेते हैं तो उनकी लिस्टिंग भी नैसडेक में ऑब्वियसली हो जाती है। लेकिन सुना गया है कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, लेकिन हो जाती है। ये तो है कि अगर कोई आइटम अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया है फॉर OTC, तो सूनर और लेटर, देर इज नो टाइम फ्रेम, लेकिन ये कि ये लिस्ट हो जाता है नैसडेक में। अभी जो खबर, अच्छा इससे जब ये खबर आई थी लिस्टिंग के हवाले से, दिसंबर की डेट दी गई थी, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई ये जो है मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जो वहाँ पे, अगर आप देखें स्पेशली अमेरिका में, यूरोप में, तो जब क्रिसमस आ रही होती है तो एक लॉन्ग वीकेंड होता है, लोग क्रिसमस की और लॉन्ग वीकेंड की, जो न्यू ईयर की, उसकी तैयारियों में लगे होते हैं। तो वो जिस तरह अभी मैंने वीडियो शेयर किया रमजान के बारे में, जिस तरह हमारे रमजान में डल एक्टिविटी होती है, उस तरह इस हिसाब से देखें तो वहां पे इतना इंटरेस्ट उनका स्टॉक में होता नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में, कोई ऐसी मनी मार्केट में। तो वो अपने सब छुट्टियों में और सब प्लान कर रहे होते हैं हॉलीडेज, तो इतना उस पर जोर होता नहीं। तो मैंने कहा था ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और वही वह इसको मार्च तक के लिए डेट इसकी एक्सपेंड कर दी है। अच्छा, अभी मार्च का महीना शुरू हो गया इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम पीछे जरा देख ले, मैंने पहले भी शेयर किया था कि ये W जो बनाया था, ये जो मैं ब्लैक लाइन बता रहा हूँ, ये बुलिश पैटर्न बनाया था मार्केट, ये स्टॉक ने अपसाइड मूवमेंट दिखा, इस तरह यहाँ पे भी हुआ था, तो मैंने कहा था यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है 3 से 4 रुपए तक। तो ये तकरीबन इसने 4 रुपए 50 पैसे का हाई किया यहाँ पे, और वापिस ही वापिस जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे 3.10 का, तो ये वापिस स्टॉक काफी, एक तरह से देखे तो मंथली बेस पे देखे तो नोज डाउन, यहाँ थोड़ा सा जो है अपसाइड इसने मूवमेंट दिखा, इसके बाद नोज डाउन, ये फिर इसने यहाँ पे 1.06 रुपए का लो किया है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो 1.13 रुपए से लेके 1.52 रुपए तक ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जैसे W पैटर्न बना, ये वॉलिटिलिटी की निशानी करता है कि W ऊपर बना है, नीचे पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये वॉलिटिलिटी होती है अपसाइड डाउन साइड पे, तो यहाँ पे भी वॉलिटाइल होता है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे जो है ना एक्यूमुलेशन अगर देखें तो डाउन साइड पे चल रही है, तो प्राइस देखें तो बहुत मुनासिब प्राइस है, 1.20 रुपए, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। और हो सकता है कि शायद ये वीक होल्डर से माल चुराने के लिए ये वाला 99 पैसे भी इसको रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। लोगों की किसी सबर का काम है, और स्पेशली इस स्टॉक में बहुत सबर का काम होता है। मैं आपसे यहाँ शेयर कर दूं, जुलाई 2022 में इसने ये लो किया था यहाँ पे 1.13 रुपए का, ठीक है। अब ये चल रहा है यहाँ पे तकरीबन मार्च, अभी शुरू हो गया है, ये फरवरी तक का है, मार्च जो है फरवरी 2024 तक ये अभी इसी एरिया में मूव कर रहा है। अपसाइड दिखाई थी इसने, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक आया भी था, लेकिन एक लंबी सी यहाँ पे विक देखिए, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, वो ऑब्वियसली उसी न्यूज का इम्पैक्ट आया था कि भाई जो है वो दिसंबर मार्च तक के लिए जो डेट बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दिए, तो ये यहाँ पे इसका हमने इम्पैक्ट देखा, ये इतनी लंबी सी विक बनी, और क्लोजिंग जो है इसकी अपना ये इस वाली क्लोजिंग 1.41 रुपए क्लोजिंग आई, 1.52 रुपए ओपन हुआ, और यही इसका पिविटल जो है मंथली का है, ठीक है। और 1.36 रुपए जो मैंने यहाँ 34 पैसे, ये 36 पैसे, ये मैं यहाँ पे भी एक बना देता हूँ, ये इसका डेली पिविटल पॉइंट है, ये इसको मैं ये पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अभी इससे नीचे मूव कर रहा है, अगर इसको सस्टेन करता है, फॉर सपोज देखें इसके बीच में, और यहाँ पे देखें कोई कैंडल नहीं बन रही, बिटवीन 2 एंड 1.5, अगर यहाँ कैंडल बनना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स कि यह फर्दर अपसाइड हम मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इसकी मैं
नेक लाइन रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, 3 रुपए 97 पैसे, और लो जो किया है इसने, ये मैं तकरीबन इसको, इसका जो लो है तकरीबन 1 रुपए 10 पैसे ये ले रहा हूँ, ठीक है, 1 रुपए 6 पैसे का लो है, तो ये मैं तकरीबन इसको 1 रुपए 10 पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हुए अगर हम देखें तो ये वाला लेवल इसने रीटेस्ट तो किया, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 1.78, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई बॉडी नहीं बनी है, ना कोई क्लोजिंग आई है, ना कोई ओपनिंग आई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ विक बनी है। तो यहाँ पे कोई बॉडी बनती है दैट मीन्स कि ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अपसाइड मूवमेंट इस वक्त जो हमें शॉर्टली जो है इसके बाद जो है मैं देख रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि ये वाला लेवल 2.54 जो है 2.54 से लेके 2.87 ये आने वाले दिनों में जरूर रिटेस्ट कर सकता है ये। तो अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड रखें पेशेंटली, क्योंकि इसकी एक्यूमुलेशन बहुत लॉन्ग होती है। तो अभी तक देखें ना, 2022 से 2024 हो गया है, तो 2 साल हो गए बिटवीन, मैंने आपको बताया था 2 से 3 साल की एक्यूमुलेशन होती है, तो अब ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है, और ज्यादा जो अपसाइड पे भी नहीं है, डाउन साइड पे है, तो यहाँ लेके थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आप सोच के रखें विद इन, ठीक है, मैं विद इन बता रहा हूँ, विद इन 1 ईयर जो है वापिस इसको रिटेस्ट कर सकता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद 3.97 के ब्रेकआउट के बाद अगला जो रेजिस्टेंस होगा या टारगेट होगा वो 5.746 ये विक बन सकती है। देखें इन बिटवीन यहाँ पे 6 रुपए 80 पैसे भी जा सकता है, 5 रुपए 74 पैसे लेके 6 रुपए 80 पैसे तक भी ये दिखा सकता है। अगर न्यूज अच्छी वो इस तरह लिस्टेड की न्यूज आ गए तो फिर ये हो सकता है ये बहुत वॉलेटाइल हो जाए और ये सारे लेवल ब्रीच कर जाए, इवन 13 रुपए भी है ये भी इसको ये ब्रीच कर सकता है और रिटेस्ट कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।